बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सऊदीया ने हज कोटा का बकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को 81,132 जो लोग हैं आजमीन का हज कोटा अलाट किया गया। नोटिफिकेशन आज किसी भी वक्त जारी हो जाएगा। भारत के लिए 79,237, श्रीलंका के लिए 1,585 आजमीन हज जो हैं उनको कोटा जारी किया गया। बांग्लादेश की बात करें तो 57,585 लोग जो हैं वो हज अदा करेंगे। अफगानिस्तान के लिए 13,583 लोग जो हैं वो हज अदा करेंगे। अगर हम इसकी डिटेल की तरफ चले जाएं तो आज सऊदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया और उसके साथ ही कोटा का ऐलान होते ही वजारत मजहबी अमूर ने हज की तैयारियां तेज कर दी। अब इसमें से 60% जो कोटा होगा वो सरकारी तौर पर होगा और 40% जो कोटा होगा वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। सऊदी हुकूमत ने जनूबी एशिया ममालिक के लिए हज 2022 के कोटे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान 81,132, भारत 79,237, श्रीलंका 1,585, बांग्लादेश का पहले मैं बता चुका हूँ। वजारत हज सऊदीया की तरफ से बकायदा नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। जनूबी एशिया के ममालिक के साथ हज 2022 का MOU साइन करने के लिए तारीख भी किसी वक्त जारी की जा सकती है। याद रही कि इस साल 10 लाख अफराद फरीजा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान का 2019 में कोटा 2 लाख था। दीगर ममालिक का कोटा भी 2019 के मुकाबले में आधा कर दिया गया है। 10 दिन पहले सऊदी हुकूमत ने रवां साल 1 मिलियन यानी 10 लाख का ऐलान किया। 85% खारजी और 15% सऊदी शहरी अकामा होल्डर का ऐलान भी किया जाएगा। तमाम ममालिक कोटा इक्तदार के शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, जो आज उसका ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया। थोड़ी देर बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।